और शुबह का ज्याला इंटरेस्टिंग भी है और ट्रबलिंग भी है चारी। तो चारी। तो आ, सवाल ऐसा है कि मैं पहले कह दूँ नकल कफुर गफुर नाबाशद यानी ये कुछ ऐसी बात है आ, एक साहब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आ, और उ, उनका कहना यह है कि उनका असूल ये है कि सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो अगर उसमें एक लाइन भी ख़राब हो जाए तो पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है इसी तरह उन्होंने कहा कि इस्लाम भी में भी कितनी ही खूबियां हों एक गलती से इसकी सदाकत में आ, मजरू हो जाए हो जाती है हमेशा तो अब इस्लाम में ये बिलीव किया जाता है कि अल्लाह ताला राजिक हैं यानी जो बच्चा पैदा होता है ये कहा जाता है कि इसका राजिक अल्लाह होगा इसलिए फ़िकर की ज़रूरत नहीं है लेकिन हकीक़त यह है कि दुनिया में पचास फ़ीसद बल्कि अस्सी फ़ीसद लोग ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन यानी गुरबत की सतह से भी नीचे हैं और उनमें से ज़्यादा लोगों को खाना नसीब नहीं है तो अल्लाह ताला कैसे राज़िक हुए कब राज़िक हुए, इनको खाना तो नहीं मिलता ऐसी ज़िंदगी इनकी गुजर जाती है पूरी अच्छा। तो इस बात को देखने के बाद दुनिया में 80 फ़ीसद लोगों को देखने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसा मेरा ईमान से दिल उठता जा रहा है अच्छा। और और आ, अब ये फरमाइए कि इनको क्या जवाब देंगे आप कैसे इनको समझाएंगे कि अल्लाह वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया लोग भी क्या क्या हैं। लाते है। तो अगर ये बात है तो क्या उनकी इंजीनियरिंग से भी ईमान उठ गया इंजीनियरिंग से भी अगर उनका ईमान उठ गया है तो फिर तो हम बात करें क्योंकि देखो इस्लाम से ईमान आपका इसलिए उठ गया कि इस्लाम के अंदर जो है राजकीत का मफह समय लिहाजा उठ गया सारा क्रैश हो गया इस्लाम जी तो आपके यहाँ भी तो जब एरर आता है, है आप जैसे बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक लफ्ज भी गलत हो जाए एक कोड भी इधर उधर हो जाए तो पूरा जो है सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है और ये बात वो इस बेस पे कर रहे हैं कि इन चीजों का मुशाह हुआ उनको इस फील्ड में तो इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी जैसे इस्लाम छोड़ रहे हैं इंजीनियर छोड़ी है कि नहीं छोड़ी नहीं इंजीनियर क्यों नहीं छोड़ी इसलिए नहीं छोड़ी कि वो सोच रहे हैं कि नहीं इस सिस्टम के अंदर कोई खराबी नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सिस्टम में खराबी नहीं ये काम करने वाले से कोई एरर हुआ है जी। हमारे हमसे कोई मिस्टेक हो गई है कि शायद वो जो है ना वो कोड सही नहीं हुआ या सही हमने वो उसको आगे फंक्शन नहीं किया तो ये हमारी गलती है अपनी गलती को फिक्स करते हैं या जब भी ऐसी एरर पैदा होता है तो बॉस या वो मुलाजिम को डांटता है कि के, बी केयरफुल क्या कर रहे हो भाई वो ये नहीं कहता तो, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सिस्टम ही खराब है यार सिस्टम ही खराब है देखो ये क्या इसका मतलब काम करने वाला जो है जो उसको फंक्शन कर रहा है तो गलती उसकी होती है सिस्टम में कोई गलती नहीं है तभी तो छोड़ नहीं रहा वरना छोड़ता बिल्कुल इसी तरीके से इस्लाम की जो सिस्टम है उसमें कोई गलत ख़राबी नहीं है खराबी उन लोगों में है जो दौलत को दुनिया में तकसीम करने के जरिया बन रहा है तो क्या तकसीम दौलत तो दुनिया में सही नहीं हो रही तकसीम रिजक सही नहीं होगा अल्लाह ने राजकीयत की बुनियाद पर रिजक तो हर एक का पूरा पूरा उतार दिया लेकिन दुनिया में जो उसको फंक्शन करने वाले हैं जिनके पास पावर है उन्होंने उसको सही फंक्शन नहीं किया जिसकी वजह से हर मुस्तक को उसका रिजक नहीं पहुंचा तभी वो भूखा मर रहा है तो लिहाजा होने की वजह से और तभी तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि इंसान ज़ालिम है और जुलम की वजह से ही ये सारे निज़ाम को मैसअप करता है और अदल पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया था क्योंकि इंसान की जो नियाबत वो अदल के अंदर है कि अदल के साथ हर एक उसका हक पहुंचे लेकिन यहां होता है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है गरीब गरीब तर होता जा रहा है जिसकी पावर जितनी ताकत वो सारे खजाने रिजक के अपने गुलाम में समेट रहा है ए तभी तो हदीस के अंदर इस बात की ममान है कि आपीराजी ना करें क्योंकि जखीरा ख़ीराजी का मतलब यह है वो जिसका रिजक आप उस तक पहुंचा नहीं रहे आप जुल्मन उस रिजक को अपने पास सेव कर लिया वो भूखा भर रहा है तो मालूम ही हुआ कि जैसे आप वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिस्टम को सही तस्लीम करते हैं लेकिन फंक्शन करने वाले की मिस्टेक मानते हैं बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक मताल जो का जो राजियत का सिस्टम है उसको आप परफेक्ट समझो वो परफेक्ट है लेकिन यहाँ और आप जानते यहाँ मई इकानी की दुनिया के अंदर तकसीम दौलत कि दौलत की तकसीम इस अंदाज से हो कि हर बंदे को सही पहुँचे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ये तो मीशत का असूल है इस पर तो पूरे सब्जेक्ट होते हैं कि यार इसके अंदर पानी इस्तेमाल करना है कहाँ कहां का यूज करना है पानी के जरिए क्या मुनाफी हासिल करना अल्लाह ने कब उतना अंदाजा करके साल का पानी मैंने उतार दिया फिलर्स आगे फरमाया कि उस पानी को हमने मैंने जमीनों में सेव कर दिया अब आप वहां से ले लेके अपना पानी निकालते रहे पीने में लेकिन इंसान चूंकि जालिम है वो तकसीम अदल से नहीं करता लिहाजा गरीब गरीब तर हो गया अमीर अमीरतर हो गया अमीर के पास जो बैंक बैलेंस दौलत भरी पड़ी है गरीब के पास फूटी कोड़ी नहीं है इसका मतलब है उस अमीर ने उसकी दौड़ को हथियार के बैठाई है लिहाजा अगर जो है आज भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहाँ जितनी दौलत है रिजक है सारी दुनिया की आप जो है आबादी का अंदाज़ा लगा लें और रिजक के खजानों का अंदाजा लगा लें उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कैलकुलेशन करें और पूरे जितने सोर्सिस कुदरती वसाइल आर्टिफिशियल वसाइल जितने भी दुनिया के अंदर हैं उनके रिजक के अंदाजे लगाए और पूरी दुनिया की जब पॉपुलेशन का अंदाजा लगा ले मैं कहता तो एक रत्ती ऊपर नीचे नहीं होगा सबको पूरा पूरा रिजक मिलेगा कोई भूखा नहीं रहेगा कोई भूखा नहीं रहेगा रहे क्योंकि देखे राजकीय का मतलब जो राजकीय का मतलब लग्जरीज नहीं है का मतलब है नेसेसिटीज आपकी जरूरत है जिंदगी जितनी खाने पीने रहने की वो अल्लाह तबारक वाली हर एक की पूरी उतारता है अब आप जिसकी बात कर रहे आप तो लग्जरी की बात कर रहे हैं अब एक मालदार लग्जरी के अंदर कहां से कहां जा रहा है और दूसरे गरीब की जरूरत को भी आप खा गए उसकी जरूरी पूरी होनी तो अल्लाह की राजकीय का मतलब है जरूरियात ने जितनी दौबत की रोटी आपको खानी है उस हिसाब से अल्लाह सबकी रोटी रिज पूरा पूरा उतारा है बगैर उसके तो इंसान दुनिया में आता नहीं ये तो सही बुखारी के अदीस है कि अभी रह में मादर में लुफा ठहरता उसी फरिश्ता तो उसका रिज्क लिख देता है और पूछता है कि अरे रब मर रिज्क इसका कितना रिज्क लिखना है अल्लाह फरम इतना रिज्क लिख दो क्योंकि यह मसला अस्सी साल जिंदा रहेगा अस्सी साल का इतना रिज इसके नाम में लिख दो तो इसका रिज्क लिख दो और अल्लाह हर साल और यह हर साल और ये ललित्र में यही तो फैसला होता है फ़िया यूफरकिन अमर हकीम जो कुरान ने कहा सुरदुखान सुर दुखान में कि उस रात में अल्लाह तबारक वारा ये फैसले तदबीरें तकसीम कर देते हैं और वह फैसले किस बात के वो साल साल के रिजक के हैं साल साल की सारे आमाल के हैं कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते ये ये फला का जो है ये जैद का इतना रिज्क साल का मैंने बना दिया तुम लेके निकलो आप फरिश्ते जमीन पर आकर उसकी तदबीर करते हैं हर एक कर पूरे साल साल का और लहलोत कदर लहलोतुलबरात के अंदर लिस्टें बनती हैं शब बारात में लिस्टें बनती हैं इसके लिए उसको तो लहलितसक भी कहते हैं और कदर के अंदर वह लिस्ट फरिश्तों के हवाले कर दी जाती हैं कि लो भी हर एक का रिजक हमने साल का पूरा कोटा सेट कर दिया जैसे साल साल का को कोटा दुनिया में भी चलता है अल्लाह ने भी पूरा साल साल का को कोटा सेट किया हुआ है वह नीचे उतरता है और आके दुनिया में तदबीर उसके रिज ही कर देता है साल का पूरा रज्क इंसान खाता है और साल के जो अमाल है जो अहवाल है सारे वो साल पर करता है फिर अगले साल में फिर नया ज पे तो सारा लिखा हुआ है लेकिन लोहे महफूज में से साल साल का को कोटा अल्लाह हर साल कदर में उतारते लेकिन ये में हम खुद कर रहे हैं जैसे वो फंक्शन करने वाले ने गलती की और एरर आ गया और क्रैश हो गया ऐसे हम गलती कर रहे हैं अल्लाह ने गलती नहीं की अल्लाह ने राजकीर की बुनियाद पर पूरा रिज्क उतार दिया है और इंसान की वो पूरी नेसेसिटी जो है रिज्क में पूरी होती है मजे की बात ये कोरोना वायरस के जमाने ने तो ये बता दिया कि इंसान की जरूरत दो रोटी और एक सालन की प्लेट है और एक गिलास पानी और कुछ भी नहीं है क्योंकि लोग अपनी पुछाके भूल गए टाई कोड भूल गए सिर्फ एक लुंगी बात के घर में बैठे हैं कोई रोटी मिल जाए यार वो इटली शहर जिस इटली में अमवात हुई उस इटली के अंदर लोग गने लेके निकल आया कि यार डबल रोटी एक बजे मुझे यानी डबल रोटी जिसको वैसे तकसीम करते थे लेकिन लेकर डबल रोटियां छीन है रहे हैं यह वाकत तो मालूम है कि असल वही रोटी जो है ना ये ये मामूली नेमत नहीं है इसको लोग कदर नहीं करते और भर भर के गार्बेज कर देते हैं भर भर के फेंक देते हैं और जना उस पर शुक्र भी नहीं करते लेकिन कोरोना वायरस की लॉकडाउन ने यह सबक दे दिया कि यार ये डबल रोटी और यहां अमेरिका में आप देखा मार्केटों पर लाइन लगी क्या यार एक जो ब्रेड दे दें वो कहते हैं जी एक ही ब्रेड मिलेगा आपको बस क्योंकि पीछे लाइन बहुत है मतलब वो ब्रेड जो ढेर लगे होते थे तबारक वतार सब की बराबर है। उसमें कोई कमी पेशी नहीं तो ये जो है जिस तरह जो है वो इस्लाम को छोड़ बैठे हैं या गुस्से में आके पहले तो अपने इंजीनियरिंग छोड़े है। और फिर ज्यादा शौक है तो कैलकुलेशन करें पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की पूरी दुनिया के वसाइल की और फिर जो है वो करके नतीजा निकालेंगे और देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तुबारक वाद सबको पूरा पूरा रिस्क उतार दिया है वो अलग बात है कि जो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा खा के अपना पेट भरे जा रही हैं भूखे लोग मर रहे हैं भूखे आप अपने करतूत से मर रहे हैं इसलिए कुरान में कह वमा को भी मुसीबत फबीमा का सबर ईदीकुम दुनिया में जो आफ्ती मुसीबतें उतरती हैं फ़ुरफा कहत आते ही तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है तुम जुलम दुनिया में बर्पा रखोगे तो भूखे मरेंगे तुम्हारे भाई बंद अगर तुम अदल करो तो तुम खुद भी रोटी खाओ और अपने भाई बहन भी रोटी खा के मरेंगे इससे कोई भूखा नहीं मरेगा इससे कसूर तुम्हारा अपना है इस्लाम का कोई कसूर नहीं बहुत खूब बहुत अलहदुल्ला बहुत बहुत, बहुत ज़बरदस्त और ऐसा जवाब कि जो तो तो तो, 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 तो आम, ये सोचने की बातें हैं सारी इससे सबक सीखें मुफ्ती साहब ने जो बातें की हैं उनसे सबक सीखें और अपने अड़ोस पड़ोस और जहाँ जहाँ आपके जराए हैं वहाँ मेक श्योर करें कि कोई भूखा ना रहे यही इस्लाम है कि आपका पड़ोसी भूखा ना सोए तो बहुत खूब